कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अब हम लोग ना, आज है संडे और दशहरा वैकेशन है, तो वैकेशन में जैसा ना इस बार लंबे ट्रिप का कुछ प्लान बन नहीं सका, तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि जो भी थोड़ी बहुत छुट्टियां ना उसमें ना बच्चों को दो चार जगह घुमा कर लेकर आते हैं। तो आज हम लोग अभी निकले हैं फर्स्ट ट्रिप के लिए, तो देखिए आज हम लोग कहाँ जाते हैं। तो अभी हम लोग घर से निकले हैं, अभी बीच रास्ते में हम लोग कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और इधर जिया को देखिए। जिया की तबीयत एक्चुअली थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने ना थोड़ा लंबा प्लान बनाया नहीं, तो बस इसे था कि नहीं घूमने जाना है तो हम लोग निकल पड़े। सुबह था कि हम लोग नहीं जाएंगे, बट अभी फाइनली वही बोल रही है मम्मी चलो घूमी घूमी, तो हम लोग निकल पड़े हैं। चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो हम लोग ना निकल गए थे बनाघाटा नेशनल पार्क के लिए। तो हम जू जा रहे थे, चिड़ियाघर जा रहे थे, और उसके लिए ना हम लोग नाइस रोड से होते हुए निकले। और ना उस वक्त ना मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो बीच रास्ते में हमें नाइस रोड पे ना ये ट्रक दिखा, तो मैंने कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी समझा। उस ट्रक को देख के ना हमें डर लग रहा था, वो कब पता नहीं पलट जाएगी, क्योंकि इतना लोड था ना कि वो ऐसे शेक कर रहा था चारों तरफ से। उसके बाद हम लोग जब बनाघट्टा रोड पर नाइस रोड से जब हम उतर गए, तो उस बार मौसम काफ़ी अच्छा सा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि अब बारिश होगी, और रास्ते में ना थोड़ी बहुत हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद फिर से धूप हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पर ना पहुँच चुके थे, और सीन ये थी कि पार्किंग के लिए ना मतलब जगह हम लोग ढूंढ रहे थे। तो खैर ऊपर तो खैर इसका जू का जो पार्किंग है, तो उधर जाने के बाद भी ना हम लोग तो गए, बाद में आपको बताएंगे, उधर जाके हम लोग ऐसे फंस गए थे कि ये लोग ना मतलब बस ले लेते हैं पार्किंग चार्जेस, और उसके बाद ना आपको कोई मतलब नहीं है कि आपने गाड़ी कहाँ पार्क की और आप कैसे निकल रहे हो। नहीं, निकलते वक्त इन लोगों ने ना हमें जंगल में घुसा दिया, और हम लोगों ने इतने डर गए थे, जो भी गाड़ी वाले मतलब हमारे आगे भी जो थे, हमारे पीछे वाले भी थे, जो एक दूसरे को फॉलो करते हुए बस बढ़े जा रहे थे। तो खैर चलिए वो आगे मैं बताऊँगी। यहाँ पर हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, जैसा मैंने ब्लॉग में स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें अभी ब्रेकफास्ट करना बाकी है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं मिला, लेकिन यही एक ठीक ठाक हमें लगा, तो हम यहाँ पर रुके और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मतलब हस्बैंड बोले तुम चाय पीती हो, तुम चाय पी लो, हम लोग इधर वेट करते हैं। तो चाय इधर बाहर में ना एक अलग से दुकान लगा के रखी है, इधर चाय बना रहे थे, तो यहाँ मेरी चाय हो गई थी, और अब मैं चाय पी करके हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब पहुँच गए थे ये पार्किंग में, जो कि BBMP वालों का है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ना मतलब 50 या 60 रुपीज़, मुझे कुछ क्लियर याद नहीं आ रहा, 50 या 60 ऐसा ही कुछ था पार्किंग था। और अंदर भी ना कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कहाँ जाकर के कैसे गाड़ी पार्क करोगे। जो अलॉटेड एरियाज़ थे वो पूरे फिल हो चुके थे, और इधर हम लोग आए ऊपर की तरफ चढ़ करके, हम लोगों ने गाड़ी तो लगा दी, लेकिन उस वक्त ना मतलब स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, स्कूल के बसेस आपको दिख ही रहे होंगे, तो यहाँ पर ये स्कूल वाले बच्चों की लाइन लगी हुई थी। हमारा टिकट हमने तो ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, तो हम लोगों को अलग से जाना था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। होते हुए यहाँ पर ये सब कुछ इनके जो प्राइसेस और जो, और इधर से फिर सफारी का जो अलग से बुकिंग होता है उसके कार के बारे में, बसेस के बारे में डिटेल्स दिए हुए थे। और भी क्या हुआ कि उस दिन का न्यूज़ था, न्यूज़ में भी मैंने देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आया था। जब हम लोग घर आ गए, नेक्स्ट डे जब मैंने मोबाइल में जब ओपन की, तो न्यूज़ आ रहा है कि उसी दिन जब हम लोग गए थे, उसी दिन लियोपार्ड ने ना उस सफारी वाले बस पे ना अटैक कर दिया था। तो अटैक क्या किया था, मतलब बाहर से सब लोग अंदर बैठे हुए थे, चिल्ला रहे थे, किसी को कुछ हुआ नहीं, बट मतलब लोग तो ऑब्वियसली ना कोई भी देख करके डर तो जाएगा ही। तो ये न्यूज़ में था, हम लोग बोले चलो अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग भी सफारी लेने वाले थे, बट इतनी ज़्यादा रश थी कि रश की वजह से ना हम लोग ना सफारी लेने का छोड़ ही दिया। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसे भी जिया की तबीयत ठीक थी नहीं, और जिया तो परेशान कर ही रही थी, बट प्लान था कि मैं और मिस्टी दोनों चले जाएंगे,
लेकिन हम लोग भी छोड़ दिए, हम लोग बोले कि नहीं इतना लंबा क्यू में कौन लाइन लगेगा। तो ये देखिए यही है सफारी वाले लोगों की जो लाइन लगी हुई है ना, अभी आपको काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिलेगी, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि क्या बता। और इस ना बगी के लिए मतलब टोटो गाड़ी के लिए हमें ना 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि पैदल चलना इतना आसान था नहीं कि हम लोग घूम लें, और वो भी जिया को लेते हुए। तो हम लोगों ये टोटो गाड़ी का उसके लिए भी ना लाइन में लग करके, और एक आदमी को 2 ही टिकट ये लोग दे रहे थे, तो शायद लोग ये ब्लैक में टिकट बेचते होंगे, इसलिए इन लोगों ने ऐसा नियम बना के रखा है। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी पे बैठ गए, तो हम लोगों को वो दिन आ रहा था कि जब हम लोग शिरडी वाले ट्रिप पे थे ना, तो उधर भी एलोरा केव्स घूमने के लिए ना ऐसे ही टोटो गाड़ी पे, और वो भी ट्रिप काफ़ी अच्छी थी हमारी। यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठे तो उसमें ना ये मंकी का एक स्टैम्प लोग लगा देते हैं कि लोग बग्गी से जा रहे हैं, इसके लिए शायद जान मतलब पहचान के लिए कि आप इस गाड़ी पर आए थे ऐसा करके। उसके बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे ये लाइन सफारी वाली लंबी होती चली जा रही थी, पता नहीं 2 किलोमीटर तक शायद लाइन लगी हुई थी, और सब लोग अपने नंबर का वेट कर रहे थे ये बग्गी गाड़ी के लिए इधर था। उसके बाद हम लोग गाड़ी से निकल पड़े और यहाँ पर हमने देखा जेब्रा, उसके बाद जिराफ। तो आगे का आप लोग खुद एंजॉय कीजिए, मैं बीच में नहीं आऊँगी, लास्ट में हम लोग मिलते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर ना टाइगर को देखने के बाद जिया ने ना अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो बड़ी थी नहीं 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 जाना मुझे टाइगर के पास, हम लोग बोले नहीं बाबा कोई लेके नहीं जाएगा, तो उसकी आंखें बंद करके बैठी थी, सब लोग हंस रहे थे गाड़ी में बैठे, इसे था कि मुझे देखना नहीं है आके मुझे टाइगर ले जाएगा ऐसा करके। इधर बेर है तब तक ना वो अपनी आंखें बंद करके ही बैठी हुई थी। इवन ना गाइस आगे ना मतलब आपको ना एक बड़ा ही अच्छा सा मतलब देखने को कुछ मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ना इसमें ना मतलब मोर को पहली बार हम लोगों ने ना मतलब मतलब सामने से देखा नाचते हुए, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था जाते वक्त ही मैं बता रही थी, और मोर ने ना मतलब हम लोग बड़े देर तक खड़े रहे क्योंकि बार बार वो अपने विंग्स ना फैला रही थी और फिर बंद कर रही थी, तो हमें था कि पक्का मोर आज तो नाचने वाली है, और सच में वो सीन हमने देखा। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने लिए हैं, आप शॉर्ट्स में भी जा करके देख सकते हैं, इवन इस ब्लॉग में भी कम्प्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे आप देखते जाइए।
ये देखो हाथी राजा देखो ना तेरे हाथी राजा हाथी राजा बैठ हाथी राजा ये किसको कर रही है बाय बाय हम लंबा एक घंटा का वीडियो बना देंगे हम फ्रेंड्स यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रही थी अभी ना मोर जल्दी से नाचने वाली है एकदम आप इसके देखना ना भूले बड़े अच्छे से देखते जाएं इतना अच्छा था ना पहली बार हम लोगों ने ना सामने से देखा था मोर को नाचते हुए एक बार जब हम बांदीपुर जंगल से जा रहे थे उस वक्त भी देखा था बट इतना क्लियर नहीं था क्योंकि काफ़ी दूर मोर खड़ी हुई थी ये देखिए पीछे की तरफ से अभी आपको आगे की तरफ से पूरा दिखेगा ये देखिए तो इतना मज़ा आया ना हमें देखकर ऐसा लगा कि ये हमारा जू आना तो सफल ही हो गया जैसे क्योंकि ऐसे सीन मिस्टी ने भी पहली बार देखा था उसके बाद इधर ये क्रोकोडाइल वाला तो अभी चलिए आगे फिर आप लोग देखते जाइए और इसमें ना अभी आपको बटरफ्लाई पार्क भी देखने को मिलेगा क्योंकि लास्ट टाइम जब हम एक बार और गए थे ना तो उस वक्त बटरफ्लाई पार्क उस दिन क्लोज था पता नहीं किसी और रीज़न की वजह से तो हम लोग अभी अब यहाँ से निकले हैं जू से और अब हम जा रहे हैं बटरफ्लाई पार्क की तरफ तो चलिए उधर मिलते हैं
फ्रेंड्स हम लोग ना अभी ये बटरफ्लाई पार्क के अंदर में हैं और बस ये ऐसा ही समझिए कैसे हम पिंजरे में किसी पक्षी बर्ड इन सबको रखते हैं ना, कैसे अपने घर में मिट्ठू को पालते हैं, ठीक उसी तरह से ये एक बहुत बड़ा सा केज है, पिंजरा है जिसके अंदर लाइफ बटरफ्लाइज को छोड़ दिया गया है और वैसे ही पेड़ पौधे फूल सबको लगा के रखा गया उसी पर ये अंदर में ही घूमती रहती हैं बटरफ्लाइज, क्योंकि उनको बाहर जाने का मौका दिया ही नहीं, इनको ऐसे कैद करके रखा गया। फ्रेंड्स ये जो है ना ये बटरफ्लाई के म्यूजियम की तरह रखा गया है, यहाँ इसमें ना इसके लाइफ साइकिल के बारे में भी दिखाया गया है तो बच्चों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी इधर मिल रही थी, तरह तरह के बटरफ्लाइज का बहुत ही क्लोज पिक्चर भी था और सब कुछ अच्छे से बताया गया था, तो सारे लोग इधर बैठ करके उसके बारे में जानकारी ले रहे थे और फिर उधर बैठने का भी इंतज़ाम था, लोग आराम से बैठ कर थोड़ी देर रेस्ट भी कर रहे थे, हम लोगों ने भी किया और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बाहर निकल गए अब घर जाने के लिए क्योंकि बहुत हम लोग ज़्यादा थक गए थे। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग फिर जल्दी ही आएगा, तब तक फिर मिलते हैं, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।